कदम इस चौखट पर क्यों रुक गए? ये तस्वीर उस बदकिस्मत मां की है जिसके बेटे की तुम समाधि बनाना चाहते हो। मतलब देवा? मेरा बेटा नहीं, इस बहन की अमानत है। भाई हम तो एक मुसाफिर हैं, सांसों के साथ इस अमानत को लिए चले जा रहे हैं। पर तुम्हारा इस तस्वीर से क्या ताल्लुक है? आदिवा जिंदा है, मैं वही बदनसीब हूं जिसे आपने 14 साल की सजा सुनाई थी। तो तुम विष्णु हो? वही विष्णु जो अपनी मां से मिलने के लिए जेल से भागा था और आज तक भाग रहा है। मां तो ना मिल सकी, मगर आज मुझे मेरा खोया हुआ भाई मिल गया। खान साहब, आप देवा को ये कभी मत बताना कि मैं उसका भाई हूं। मगर क्यों? क्योंकि उसकी नजरों में मैं एक मुजरिम हूं। अपने भाई का ये रूप वो कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। शर्म के मारे उसका सर झुक जाएगा। मैं अपने भाई को सर उठाकर जीता हुआ देखना चाहता हूं। जब मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा, मैं खुद आऊंगा, उसे अपने गले से लगाकर इन हाथों को कानून की हथकड़ियां पहना दूंगा। हेलो, कौन? याद है इसी टेलीफोन पर तूने हमारा गोडाउन बचाने के लिए हमें 15 मिनट की मोहलत दी थी। आज हम तुझे अपने बाबा को बचाने के लिए सिर्फ 13 सेकंड की मोहलत देते हैं। शमशान में बारूद बिछा दिया गया है, जाओ, अगर बचा सकते हो तो बचा लो उसे। बारूद बिछाया हुआ है, भागो। मुझे छोड़कर नहीं जा सकते बाबा। विष्णु, इस दुनिया में सभी अकेले आते हैं, सभी अकेले जाते हैं। नहीं बाबा, ये तो दुनिया की। बाबा, बाबा, सिर्फ इतना बता दो कि उस आदमी का नाम क्या है। क्या नाम है उस आदमी का? विष्णु। विष्णु। Thank you.
विष्णु, यू आर अंडर अरेस्ट। मेरे पास तुम्हारे गिरफ्तारी के ऑर्डर्स हैं और तुम्हारे मुजरिम होने के गवाह भी। कौन से जुर्म में गिरफ्तार करने आए हैं आप हमारे विष्णु को? एक आध जुर्म हो तो गिनाओ भी, मगर ये तो जुर्म की एक अच्छी खासी किताब है। इस शहर में होने वाले हर जुर्म का हिस्सेदार है तुम्हारा ये विष्णु। गोदी के इलाके में कंटेनर्स की चोरियां करके कानून की आंखों में धूल झोंकता रहा है तुम्हारा ये विष्णु। वहां काम करने वाले अफसरों के परिवारों को अगवा करने वाला गुनहगार है तुम्हारा ये विष्णु। बोलो और क्या क्या गिनाओ। सारी दफाएं खत्म हो जाएंगी मगर इसके गुनाह कभी खत्म नहीं होंगे। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि किसी ने अपने काले कर्मों की चादर मुझ पर उछाल दी है मेरे भाई। नहीं भाई नहीं, देवा नाम है मेरा, इंस्पेक्टर देवा समझे। जानता हूं, ये भी जानता हूं, मगर कानून सिर्फ यही जानता है कि तुम एक मुजरिम हो। अपनी सफाई में तुम्हें जो कुछ भी झूठ या सच कहना है वो तुम अदालत में जाकर कहना, तुम्हें पूरा मौका दिया जाएगा और सजा भी। यकीनन याद करिए उन्हीं को लगती है जो इसके हकदार होते हैं। तो जाकर पहले उस मुजरिम को गिरफ्तार करो जिसने इस विष्णु को तिनकों की तरह बिखेर दिया, जिसने मेरे बाबा की हत्या की। कर सकते हो उसे गिरफ्तार? नहीं, क्योंकि तुम उस हत्यारे को नहीं जानते, सिर्फ झूठे गवाह जानते हो, मगर मैं उसे जानता हूं। कानून उस चेहरे को नहीं पहचानता मगर मैं पहचानता हूं। मैं कानून जज्बात की आवाज नहीं सुनता, वो सिर्फ गुनाह गिनता है और गुनहगार जेल की सलाखें। मगर विष्णु जेल की सलाखें गिनने के लिए नहीं, अपने मुजरिम को उसकी आखिरी सांसें गिनवाने के लिए जी रहा है। मेरे उसूल और फर्ज तो मैं ऐसा हरगिज करने नहीं देंगे विष्णु। हट जा इंस्पेक्टर। विष्णु रुक जाओ वरना गोली चला दूंगा। बंबई महानगर के पुलिस ऑफिसर देवा पर कुछ अज्ञात लोगों ने जानलेवा हमला किया है। इंस्पेक्टर देवा को तुरंत महात्मा गांधी हॉस्पिटल ले जाया गया जहां उनकी हालत चिंताजनक बताई जाती है। और अब पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। वी हैव सक्सेसेड इन फर्स्ट ऑपरेशन, लेकिन खून की कमी हमें परेशान कर रही है। इंस्पेक्टर देवा का ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव है, जो बहुत कम लोगों का होता है। इंस्पेक्टर देवा को खून की जरूरत है। हमारी जनता से ये रिक्वेस्ट है कि जिस किसी का भी ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव हो वो फौरन महात्मा गांधी हॉस्पिटल में कॉन्टेक्ट करे। कौन बोल रहा है? तेरी तरफ बढ़ता हुआ एक सलाम। कौन? विष्णु? ठीक पहचाना। अगर हमें पहचानना हो तो अस्पताल जाकर अपने भाई देवा के शरीर में लगे जख्म देखो। संपत, लक्ष्मण को घायल कर रावण भी यही समझा था कि लक्ष्मण मर गया और वो युद्ध जीत गया, मगर हार रावण की हुई थी। मैं जानता हूं तूने हॉस्पिटल के चारों तरफ मेरी मौत का जाल बिछा रखा है, मगर अब मुझे मारने की नहीं, खुद को मुझसे बचाने के रास्ते तलाश कर। देखिए, एट द मोमेंट आई कांट टेल यू एनीथिंग। देखिए, आप कोई भी पेपर से आए हैं, हमारी भी पोजीशन। देखिए सुनिए, मैं इस वक्त कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में। हाँ जी, यस सर जी। रिटायर्ड मेजर जैक डिसूजा, देश का एक सिपाही, अपना ब्लड देकर दूसरे सिपाही की जान बचाने आया है। माय ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव। देशपांडे? यस सर। सॉरी सर, सिक्योरिटी चेक। सॉरी टू बॉदर यू, चलिए हमारे साथ।
देखिए सर, ये लीजिए सर। देश के दुश्मन थे, मार दिए। He is out of danger now. Sister. Yes, doctor. हर चार घंटे बाद ब्लड प्रेशर चेक कीजिए और accordingly इंजेक्शन लगाइए. Okay, doctor. He will be all right now. ठहरो. तुम विष्णु हो ना? कौन विष्णु? मेरा नाम तो जैक डिसूजा है. फेस तो तुमने बहुत अच्छा बदला है, लेकिन अपने भाई के लिए दिल में छिपे जज्बात को कैसे बदलोगे? सर, आपका फोन. हेलो कमिश्नर, हॉस्पिटल में जो आदमी आया वो मिलिट्री का मेजर नहीं है. आपको वांटेड मुजरिम विष्णु है, जो आपको धोखा देकर अपने भाई देवा को खून देने आया है. खुद को मौत की हथेली पर रखकर देवा को खून के साथ नई जिंदगी देने वाला उसका अपना भाई विष्णु ही हो सकता है. लेकिन तुम्हारा ये रास्ता गलत है विष्णु, गलत है. रास्ता सही है या गलत ये मैं नहीं जानता, मैं तो सिर्फ अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहता हूं. खान, खान, वो मेजर कहां गया?